वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर. वेलकम टू ई कॉमर्स जोन. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे मैंने पिछले क्लासेस में एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस किया था. और जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो बुक है डॉक्टर एस के सिंह की, ठीक है, और लेटेस्ट 2020 एडिशन से मैं पढ़ा रही हूँ. तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक्चुअली एग्जाम्पल ही मैं डिस्कस करूँगी. एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 मैं कोशिश करूँगी इसको डिस्कस करने का आज के वीडियो में, ठीक है. बट उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, ई कॉमर्स जोन पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट जो भी जितने वीडियोस हमारे बनते हैं वो उसकी आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे. पर डे इंग्लिश की 2 वीडियो डाली जाती है और अकाउंट की भी डाली जाती है 2-3, ठीक है, और साथ में इको भी है, BMT का भी सर डालते हैं अजय सर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. इलस्ट्रेशन 3 आप देख सकते हो. क्वेश्चन, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है. क्वेश्चन क्या कहता है देखोगे, रीता सुधा एवं ज्योति एक फर्म में साझेदार हैं. 1 जनवरी 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 20,000 और 20,000 थी, ठीक है. क्या कहते हैं साझेदार संलेख के अनुसार, यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन पे, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, उसके अनुसार कहता है कि ज्योति 2,000 प्रति माह वेतन की अधिकारी थी. तो PL एप्रोप्रिएशन जब आप बनाओगे तो यहाँ तो इन्फॉर्मेशन पर मंथ पे दिया है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 12 से, 2,000 को गुना कर दीजिएगा 12 से, ठीक है. साझेदार नंबर 2, साझेदार पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज के अधिकारी थे, यानी कि जो उन्होंने पूंजी लगाई है उस पूंजी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% की, ठीक है. थर्ड नंबर का इन्फॉर्मेशन कहता है कि लाभ पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा, यहाँ पे भी ध्यान देना. थर्ड नंबर में इनका जो प्रॉफिट जो बांटा जाएगा वो उनकी कैपिटल रेशियो में बांटी जाएगी, ठीक है ना, किस में बांटी जाएगी, कैपिटल रेशियो में बांटी जाएगी, ठीक है. फिर कहता है कि वर्ष 2019 के लाभ कितने हैं, 64,000 था 2019 का जो लाभ इनको मिला है, नेट प्रॉफिट वो कितना है, 64,000. लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हार्डली. PL एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है. आपके क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो साफ साफ देखो, यहाँ बोल दिया है 2019 का जो लाभ है वो कितना है, 64,000 है. तो आप डेट भी डाल सकते हो, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, जो डेट है उसके अनुसार आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया. 31 दिसंबर 2019 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, अगर 31 19 रहता, मार्च रहता, तो उसका इन्फॉर्मेशन रहता, यानी कि 2019 में बोला जा रहा है वेरी क्लियर कट कि 31 दिसंबर को आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है 64,000 है, मतलब आपने क्लोजिंग उसी समय करी है, ठीक है. तो फॉर्मेट आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे मैं पेन कॉपी यूज़ नहीं करूँगी, ओरली काफ़ी है हमारे लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं लगेगा तो कर दूंगी यूज़, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एनी 31 दिसंबर 2019, सबसे पहले आपने 4 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम, अमाउंट का एक कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट का एक कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट राइट डाउन, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, ठीक है, छोड़ के मत आना, सब मार्क्स कटेंगे. और हेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा फुल लिखिएगा, शॉर्टकट मत मारना, ठीक है. और फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 इसको भी लिखना कंपलसरी है, ठीक है. सबसे पहले क्रेडिट साइड हम लोग काम करेंगे, क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट है 64,000, आप उसको एंट्री कर दीजिए, ठीक है. यहाँ पे कोई भी रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई चार्जेस नहीं था, डोंट वरी, तो कुछ करना नहीं है. जब पिछले क्वेश्चन, जो पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने सॉल्व किया था, आप देख सकते हो पिछले वीडियो का, ठीक है. फिर स्टार्टिंग करते हैं, टू सैलरी ऑफ ज्योति, ज्योति का जो सैलरी है उसको 2,000 गुना 12 करेंगे, क्योंकि उसको 2,000 पर मंथ मिल रहा है, काम हमें यहाँ पूरा साल भर का करना है, तो कितना हो जाएगा, 24,000, आउटर कॉलम में 24,000 लिखोगे, ठीक है. उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत सिंपल है निकालना, रीता कितना पूंजी लेकर आई थी, 40,000, 40,000 गुना 10/100 कितना होगा, 4,000. सुधा 20,000 लेकर आई थी, 20,000 गुना 10/100 कितना होगा, 2,000.
ज्योति लेकर आई थी 20,000, उसका भी 20,000 गुना 10/100 कितना होगा 2,000। तीनों के इंटरेस्ट और कैपिटल को जोड़ करके हम लिखेंगे कितना 8,000 आउटर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ था इस लोग का, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में, पहला इन्फॉर्मेशन था सैलरी को लेकर के, दूसरा इन्फॉर्मेशन था कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और तीसरा इन्फॉर्मेशन था कि इन लोग की जो प्रॉफिट होगी वो कैपिटल रेशियो में बांटी जाएगी। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको कॉपी में बता देती हूँ। इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल भी टफ नहीं है। रीता, सुधा और ज्योति है ना, यहाँ पे देखोगे रीता सुधा ज्योति, कितना रीता लेकर आई है, एक सेकेंड, 40,000। सुधा कितना 20,000, ज्योति कितना 20,000, ठीक है। रेशियो निकालना है हमको, बस मैथ्स का जो अपना ट्रिक पढ़े हो बचपन में, काटो काटो, सारा कट गया, कितना बचा 4:2:2, सारे जीरो कट गए, 2 के पाड़े में 2 1 2 2 1 2 एंड 2 2 4, तो रेशियो कितना निकल गया 2:1:1, समझ में आ गई बात। तो ये कैपिटल रेशियो हमने निकाल लिया, इसी वजह से कैपिटल रेशियो निकलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 64,000 था, 64,000 में रफली काम करोगे, 64,000 में रफली काम करोगे, 64,000 में 24,000 माइनस करो, डेबिट साइड 24,000 है ना, माइनस किया कितना आएगा 40,000, उसमें से 8,000 माइनस करो, माइनस किया कितना आएगा 32,000 को किनके किस रेशियो में बांटना है 2:1:1 में, वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। देखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या है, रीतास कैपिटल अकाउंट, सुधास कैपिटल अकाउंट और ज्योतिस कैपिटल अकाउंट, कैसे 32,000 आया था ना एक्सेस अमाउंट क्रेडिट में, 32,000 हो रहा है। तो जब आप इसको जोड़ोगे, ये जो आपका है जो रेशियो है 2+1 कितना होगा 3, 3+1 कितना होगा 4, तो कितना हो गया 2/4, 1/4 और 1/4, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रीतास कैपिटल अकाउंट 32,000 गुना 2/4 मल्टीप्लाई डिवाइड करके कितना आएगा 16,000, सुधास कैपिटल अकाउंट 32,000 1/4 8,000, ज्योतिष कैपिटल अकाउंट 32,000 गुना 1/4 कितना होगा 8,000, तीनों को जोड़ो आउटर कॉलम में लिखो 32,000, ठीक है। एंड फाइनली सारी चीज़ को जोड़ के यहाँ 64,000, ये तो सिंपल अकेला था 64,000, और डबल लाइन खींच दीजिए, ठीक है। नोट में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 40,000 20,000 का क्या निकाला है 2:1:1। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि बराबर बांटते हैं। ए बी क्या है, फर्म में पार्टनर्स हैं, लाभ हानि को किस में बांटेंगे बराबर में 1:1 में। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः कितनी रहती है 20,000 और 16,000, ठीक है, कितना 20,000 और 16,000। पूंजी पर ब्याज प्रभारित किए बिना, ध्यान पे ध्यान देना इस लाइन पर, पूंजी पर ब्याज प्रभारित किए बिना वर्ष 2019-20 का शुद्ध लाभ कितना है 10,000 था। यानी कि कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना चार्ज किए हुए इनकी प्रॉफिट कितनी आई है 10,000, ठीक है। प्रत्येक साझेदार को मिलने वाली राशि की गणना कीजिए, ठीक है। कैश 1 है, जब पूंजी पर ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं है, when the interest on capital is not allowed, इस स्थिति में क्या होगा। दूसरा है, जब साझेदारी संलेख में 5% से पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था है, when partnership deed allows interest at 5% per annum, ठीक है। तो दो स्थिति में आपको प्रॉफिट एंड लॉस appropriation अकाउंट बनाना है, एक क स्थिति है, दूसरा क्या है ख स्थिति है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, आप देख सकते हो उसको भी मैं ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं करूँगी पेन एंड कॉपी का, आप ओरली काम करेंगे। आप देखिए आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
ए नंबर पे भी काम करेंगे, व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन कैपिटल। डायरेक्टली बोल दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड यहाँ पे नहीं करना है। हमको प्रॉफिट कितना था 19-20 का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, तो मेरा है प्रॉफिट 10,000। क्वेश्चन में दिया है ना प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया है हमको, क्या बोलता है प्रॉफिट के बारे में, द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना चार्ज किए हुए प्रॉफिट कितनी आएगी 19-20 की, कितनी थी, 10,000 थी। तो आप एक बात हमको बताइए, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है, बट यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी पार्टनरशिप में ध्यान देना, यदि क्वेश्चन में रेंट बोल देता है कि अगर रेंट चार्ज नहीं किया गया है और बिना चार्ज किए रेंट, ठीक है, बिना चार्ज किए इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और जो मैनेजर की कमीशन होती है, जो मैनेजर की कमीशन के बारे में बात कर रही हूँ, मैं पार्टनर्स के बारे में बात नहीं कर रही, जो मैनेजर का कमीशन है, जो रेंट है और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये तीन चीज़ को बिना चार्ज किए हुए अगर प्रॉफिट निकाल दिया गया है, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट में से इन चीज़ों को माइनस करना होगा, ठीक है, या तो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दोगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए बिना 10,000 आया है, तो माय डियर स्टूडेंट याद करिए, पढ़ते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज नहीं करते हैं पार्टनर्स का, वो कहाँ पे करते हैं, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली आउटर कॉलम में 10,000 चार्ज किया लिखा जा रहा है, ठीक है ना, ये नहीं कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके हम लिखेंगे, समझ में आई बात, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ पे चार्ज करते हैं, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे केस दिया है कि व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन कैपिटल, अगर आप क्वेश्चन में ही बोल दिया जा रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं करना है, तो आपको चार्ज नहीं करना है, ठीक है, बस इस 10,000 को क्या करोगे आप, दोनों पार्टनर्स में इक्वल बांट दीजिएगा, दोनों पार्टनर्स के इक्वल क्या करना है, बांट देना। तो वही बस है डायरेक्टली, क्योंकि सैलरी क्वेश्चन में है नहीं, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं करना है, कमीशन क्वेश्चन में है नहीं, रिजर्व क्वेश्चन में है नहीं, तो बचा क्या, जो प्रॉफिट है 10,000 उसको दोनों पार्टनर में क्या कर दो, बांट दो। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एज एंड बीज, ठीक है, 10,000 क्वेश्चन में बोला था दोनों इक्वली हैं, 1:1, तो 1/2 का 5,000, तो आउटर कॉलम में कितना हो गया 10,000, तो एक आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरा आते हैं, जब क्वेश्चन में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है कितना, 5%, तो उस स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। चलो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 10,000 यहाँ भी लिखेंगे, कुछ उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, बस यहाँ पर आप डेबिट में देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना, क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना है, तो आप याद करो, याद नहीं करना, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में ए कितना पूंजी लेकर आता है, 20,000, कितना लेकर आता है पूंजी, 20,000, 20,000 का 5/100 करो तो कितना आएगा, 20,000 का 5/100 1,000 आएगा, 20,000 का 5/100 कितना आएगा 1,000, कौन लाया 20,000, ए ने पूंजी लाई थी 20,000 की, तो 20,000 गुना 5/100 करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, ए का 1,000, ठीक है, और बी कितना पूंजी लाया था 16,000, 16,000 का 5/100 करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 800, दोनों को इनर कॉलम में लिखा है आपने, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखो 1800, क्लियर हो गया। अब 10,000 में से 1800 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 8,200, कितना आएगा 8,200, उस 8,200 को पार्टनर ए और पार्टनर बी में बांट दीजिए, उस 8,200 को किसके बीच में बांटोगे, पार्टनर ए और पार्टनर बी में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एज एंड बीज, 4,100 आउटर कॉलम में लिख दीजिए, 8,200 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, क्लोज कर दो अकाउंट को, 10,000 तो आई थिंक सो
क्वेश्चन नंबर जो था आपका 3 और 4 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ये आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कैपिटल अकाउंट के बारे में और इसके जो फॉर्मेट हैं कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक इट और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।